अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 दिसंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या खुशखबरी है उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 31 जनवरी तक जारी होना है रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि एक अपडेट आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें दोस्तों ये बातें कही गई थी कि 31 जनवरी तक हर हालत में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो क्या दोस्तों अपडेट है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्या परिणाम घोषित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही है इसको लेकर, ठीक है इसको देखेंगे। और देखिए, एक और अपडेट आपके सामने रख रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस समय जिन बच्चों की बैक वैक लगी है, बैक पेपर छात्र और डीएलएड 2019 बैच के छात्र, जी हाँ दोस्तों ये बच्चे परेशान है कि 2021 में कोई हमारी नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी और हमें मौका नहीं मिल पाएगा। तो गाइज, उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन सी भर्ती आने वाली है और क्या सच में आएगी या सिर्फ बातें हो रही है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट कि नई भर्ती में मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली डीएलएड 2019 बैच के छात्रों को भी मौका मिलेगा, आप लोग परेशान ना हो। अगली अपडेट है दोस्तों टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन। रिजल्ट व साक्षात्कार कराने की तारीखें तय नहीं हो पा रही है, प्रतियोगियों ने घेरा चयन बोर्ड, नहीं दिया गया ठोस आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा अभी टीजीटी पीजीटी के लिए 15,000 समथिंग पदों पर एक विज्ञापन आया था कुछ दिन पहले, और जिसको दोस्तों अक्टूबर में निरस्त कर दिया गया था। सोचिए, विज्ञापन आने के बाद उसको कैंसिल कर भी दिया गया। नवंबर का दोस्तों हमारा महीना खत्म हो गया, दिसंबर आपको पता लास्ट है बिल्कुल, आज 30 तारीख हो चुकी है। तो गाइस, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकारों से कि कितना स्लो प्रोसेस होता है यहाँ पर। जो विज्ञापन आ चुका तो उसको कैंसिल करने के बाद भी दोस्तों दोबारा विज्ञापन जारी करने में जब इतना समय लग रहा है, तो हमारी जो नई भर्ती आएगी, जिस हम सुपर टेट की बात कर रहे हैं आज कि 2021 में एक नई वैकेंसी आने वाली है, तो गाइस वो वैकेंसी इतनी आसानी से नहीं आती। पहले हमें समझना पड़ेगा, सभी स्कूलों से दोस्तों एक डेटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर ये बताया जाता है कि किस स्कूल में कितने पद खाली हैं और कितने पद खाली हैं, ये दोस्तों निर्धारण कैसे होता है। देखिए, अगर हम बात करें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, देखिए अगर 30 बच्चे होंगे किसी स्कूल में तो वहां पर दोस्तों एक टीचर की ही जरूरत होती है। बस आपको ये समझ लेना है कि अगर किसी स्कूल में 90 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, और वहां पर सिर्फ दो टीचर है, तो वहां पर दोस्तों एक टीचर की आवश्यकता है, ठीक है, ऐसे वैकेंसी आपकी बनती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या में कमी होगी तो नई भर्ती की उम्मीद मत ही लगाइएगा, तो बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट को देखते हैं कि प्रदेश में डीएलएड 2020 का सत्र शून्य होने के कगार पर है, सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र। अब आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएनपी में कैसे काम चलता है। ये दोस्तों आपको पता होगा कि अभी बीएड 2020 वाले एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, या हो भी चुके हैं डायरेक्ट एडमिशन या जैसे जैसे करके। सोचिए, बीएड वालों ने एंट्रेंस एग्जाम लेकर भी अपने एडमिशन करा लिए, और दोस्तों जो हमारे देश में डीएलएड वाले हैं ना, या राज्य में कहें, तो सोचिए यहाँ पर सत्र शून्य होने के कगार पर है। जबकि आपको एक बात पता होगा कि जो हमारे डीएलएड में एडमिशन होते हैं वो सिर्फ दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से हो जाते हैं, जिसमें परसेंटेज बेस आपको सीधे कॉलेज अलॉट हो जाता है। कितना आसान प्रोसेस है, जबकि दोस्तों बीएड में कितना कठिन प्रोसेस था कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को इकट्ठा करना और कोरोना काल में पेपर करा लेना, एक बहुत बड़ा दोस्तों चुनौती थी बीएड वालों के लिए, लेकिन उन्होंने कर दिया। लेकिन दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डीएलएड वाले भैया बैठे हैं ना, ठीक है, जिनको आप क्या कहेंगे, आप जो भी कहना हो कह सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा गया है, देखते हैं क्या होता है। एक और अपडेट, आज खत्म हो सकता है 54,000 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला का इंतजार, नए साल में दोस्तों मिलेगी तैनाती। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसकी लिस्ट आने वाली है। देखिए, आगे चलकर आप लोगों को भी भाई ट्रांसफर की उम्मीद है ना, कि अगर आपको नौकरी मिल जाएगी कहीं घर से दूर तो आपका भी ट्रांसफर हो, तो वही दोस्तों उसी की आज लिस्ट आ सकती है। अगली अपडेट दोस्तों क्या है कि नव चयनित 36,000 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 69,000 भर्ती में दो बार में, मतलब दो फेज में नियुक्ति पत्र बटे हैं, लेकिन जो बच्चे बाद में नियुक्ति पत्र पाए थे अभी तक उनको स्कूल का आवंटन नहीं, मतलब नौकरी तो मिल गई है लेकिन ये नहीं पता अभी तक कि उनको कौन से स्कूल में जाकर पढ़ाना है। जिला कन्फर्म है, जैसे मान लेते दोस्तों आपकी लखनऊ में नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि आप लखनऊ के किस विद्यालय में जाकर पढ़ाई कराएंगे।
एक और अपडेट आई है जो कि एक अच्छी खबर है। देखिए आपके सामने दो अपडेट को भी हम रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई पाने को आधार लिंक बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी हो रही है। और दोस्तों देखी थी कि एक और अपडेट थी कि अब सभी राज्यों को मिलेगा SC छात्रवृत्ति का पैसा। अभी तक दोस्तों ये नहीं मिलता था, जिससे देखिए जो बच्चे SC कैटेगरी के होंगे भाई उनको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद TGT PGT संशोधित विज्ञापन वाला, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अभी हम आपको एक बात बता रहे हैं जो कि चल रहा है मैटर कोर्ट में। देखिए हमारी दोस्तों 69,000 भर्ती प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 69,000 भर्ती के बारे में आप अच्छे से मतलब वाकिफ हो गए होंगे, काफी वीडियोस आपने हमारी देखी होगी। लेकिन शायद आपको 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ पता होगा, बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि एक वैकेंसी आई थी कुछ साल पहले 68,500 करके। लेकिन दोस्तों इसमें अभी भी तकरीबन 22,000 पद खाली है। ठीक है, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में सारे पद भर नहीं पाए, उसका रीजन था कि सभी बच्चे भर्ती परीक्षा को मतलब पास भी नहीं कर पाए। सोचिए इसमें नौकरी पाना इतना आसान था कि जो बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क भी ले आए उनको नौकरी या नियुक्ति पत्र बट गया। तो अभी भी इसमें 22,000 के तकरीबन सीटें खाली हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में। तो अब दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि जब इतनी ज्यादा सीटें खाली है, तकरीबन 22,000 सीटें दोस्तों जब हमारी यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती में खाली हैं, तो 69,000 भर्ती के जो बच्चे हैं ना, इसमें दोस्तों कल हमने आपको अपडेट दिया था, जो बच्चे बीएड लीगल टीम से आते हैं बीएड वाले, उन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी है कि जो 22,000 सीटें हैं वो 69,000 में ही जोड़कर नियुक्ति पत्र बट जाए। लेकिन दोस्तों जो हमारी नई भर्ती आने वाली है उसमें भी ये 22,000 सीटों का कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, आप लोग भी कैलकुलेशन करके बैठे हैं ना कि 68,500 में इतनी सीटें खाली रह गई तो वो सीटें हमारे नई वैकेंसी में जुड़ जाएंगी, उसके बाद जो 69,000 भर्ती परीक्षा में सीटें खाली रहेंगी वो भी नई भर्ती में जुड़ेंगी, तो ऐसे सीट जोड़ जोड़ कर ही तो एक नई वैकेंसी बनती है। तो इस अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो नई भर्ती की उम्मीद में बच्चे बैठे हैं डीएलएड 2017 बैच और 18 बैच के जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको एक झटका लगेगा, क्योंकि नई वैकेंसी आएगी जरूर लेकिन इतना जल्दी फाइनल नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हैं कि यूपी टेट का पेपर होते ही नई भर्ती आ जाएगी। ठीक है, समय लगेगा। तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट को देखेंगे इस वीडियो में, कुछ भी अपडेट आपसे छूटने वाला नहीं है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको अपना रिजल्ट देखना रहेगा तो आपके अंदर कन्फ्यूजन होती ना, देखिए दोस्तों जो ये रिजल्ट की एक वेबसाइट थी जहाँ पर दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि जो हमारे प्रैक्टिकल के सबमिशन था वो 26 दिसंबर तक पहले था, जिसको बंद कर दिया गया था लेकिन उसको फिर से रीओपन किया गया। देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो प्रैक्टिकल के नंबर को रीओपन किया गया है अब इसकी तारीख 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हो चुकी है। मतलब अभी तक दोस्तों हमारा 31 दिसंबर तक तो फुल एंड फाइनल था कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर अभी तक आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाए तो इसका दोस्तों रीजन यही था कि अभी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल के नंबर ऑनलाइन मतलब अपलोड नहीं किया है। ठीक है, ये बात हो गई प्रैक्टिकल के नंबर को लेकर। अब देखिए दोस्तों आप अपना रिजल्ट देख कैसे पाएंगे, अगर डीएलएड 2018 बैच के हैं, अगर आप मार्कशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहले दोस्तों आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है इंटर सेकेंड सेमेस्टर रोल नंबर, तो गाइस आपको यहाँ सेकेंड वाला नहीं करना होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे इंटर थर्ड सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपने पेपर दिया था, जो आपके पास प्रवेश पत्र है उसका दोस्तों आप रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद दूसरा कॉलम है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, रो है मतलब, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी होगी, डे पर क्लिक करेंगे तो तारीख आ जाएगी, मंथ में महीना, ईयर में साल, और लास्ट में दोस्तों आपको कैप्चा वैल्यू फिट करनी पड़ेगी यहाँ पर, जो ये पर लिखा है ना WUW करके, जैसे दोस्तों स्मॉल में कैपिटल में इसको लिख करके यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ एक रिजल्ट आएगा जहाँ पर आपका रोल नंबर या नाम शो करेगा, तो उस पर आप जब क्लिक कर देंगे फाइनल वाला ना, तभी दोस्तों आपका रिजल्ट खुलेगा। ठीक है, ये रहा रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस, तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों एक और अपडेट आई थी, देखिए इस अपडेट को जरा देखिए कि डीएलएड 2020 का सत्र शून्य होने के कगार पर सीएम योगी को लिखी गई चिट्ठी, तो गाइस ये अपडेट है देख रहे हैं, और उसके बाद बगल में ये अपडेट आप देख रहे होंगे कि यूपी बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम 15 से लेकर 25 जनवरी के बीच होगी प्री बोर्ड की परीक्षा। सोचिए गाइस कि यूपी बोर्ड का पेपर हो जा रहा लेकिन डीएलएड वाले पेपर नहीं करा पा रहे। जी हाँ, जहाँ पर ग्रेजुएशन पास बच्चे आते हैं वहाँ पर ये कोरोना काल में पीछे हट गए या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पाए, और यहाँ पर इंटर हाई स्कूल के बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद जो छात्रवृत्ति वाली मैटर थे उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और अपडेट आई थी कि पुलिस बलों में 5,31,000 से ज़्यादा पद खाली हैं,
बीपीआरडी की 1 जनवरी 2020 तक की रिपोर्ट जारी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह वैकेंसियां खाली हैं। बस सरकार की नीयत अगर ठीक होगी तो सही समय पर वैकेंसियां भर दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। और एक और अपडेट थी कि विद्यालयों का नाम जूनियर हाई स्कूल नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके अपडेट को देखते हैं। अगर आप लोग देखिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, छात्रवृत्ति का आपको पैसा मिलता है, तो क्या नई अपडेट इसको देखते हैं। अगले शैक्षिक सत्र से उत्तर प्रदेश में 19 छात्र छात्राओं को सरकारी छात्रवृत्ति और फीस की भरपाई का मतलब लाभ मिलेगा। अपने शिक्षण संस्थान में आधार लिंक बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे, यही नहीं 200 छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ लेने के लिए आधार लिंक बैंक खाता भी अनिवार्य होगा। समाज कल्याण विभाग की नई गाइडलाइन में यह प्रावधान किया गया है। अब अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा प्राथमिकता पर दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों या उनमें से एक अशिक्षित होंगे। ऐसे छात्र छात्राओं भी प्राथमिकता पर यह सुविधा पाएंगे जो राज्य सरकार के परीक्षा बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास करेंगे या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़े होंगे। इसके अलावा अब कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में व्यय होने वाले कुल बजट का 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। अभी तक 290% राज्य सरकार दे रही थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई देने के लिए कुल 1977 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 60% यानी 1186 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 40% हिस्सा यानी 790.90 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, छात्रवृत्ति आपको कैसे मिलेगा आने वाले समय में, तो ठीक है, इन सब चीज़ों का देखिए अगर आप ध्यान रखेंगे ना तभी आपको पैसा मिलेगा। काफ़ी बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमें पैसा नहीं मिला, हमारे दोस्त को पैसा मिल गया। देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी भी चलता है। जी हाँ गाइस, आपको लगता होगा कि यार नहीं, स्कॉलरशिप में कोई जुगाड़ नहीं चलता होगा, ऑनलाइन है, भर दिया तो मिला, नहीं भरा तो नहीं मिला। देखिए, कॉलेज वाले जिन बच्चों का नाम रिकमेंड करते हैं कि नहीं इन बच्चों की फीस हमें चाहिए तो चाहिए, तो उन बच्चों का पैसा जरूर आता है और बाकी लोगों का तो भगवान भरोसे है। तो देखिए दोस्तों, एक और अपडेट की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सब विलयन के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के नाम संयुक्त रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जाए। बीएसए संजय कुशवाहा की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि कुछ विद्यालयों पर सब विलयन के बाद भी प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों लिखा जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी इन विद्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखवाए, ठीक है। अब दोस्तों, सभी राज्यों को SC वाला पैसा मिलने वाला है, एक अच्छी अपडेट आई है। उसके बाद दोस्तों TGT PGT वाला, देखिए इस अपडेट को भी जरा देखना जरूरी है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मुख्यालय का मंगलवार का घेराव बेनतीजा रहा। प्रतियोगियों के प्रदर्शन को देखते हुए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। TGT PGT 2020 के संशोधित विज्ञापन व अन्य लंबित मामलों में ठोस आश्वासन न मिलने से नाराज युवा अब रोजगार के मुद्दे पर जनवरी में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने की तैयारी में है। इसके लिए 231 दिसंबर को छोटा बघाड़ा के एनी बेसेंट स्कूल में बैठक बुलाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में चयन बोर्ड अफसरों से हुई वार्ता में टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी करने की तारीख, सामाजिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार शुरू करने, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा समेत समायोजन व अन्य मामलों में चयन बोर्ड ठोस आश्वासन नहीं दे सका। देख रहे हैं ना आप लोग, 2016 की वैकेंसी फंसी पड़ी है, 5 साल हो रहे हैं, जोड़ लीजिए 2016, 17, 18, 19 और 20, अभी तक दोस्तों कुछ हो नहीं पाया, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, वो भी ठोस वाला नहीं। अफसरों ने अध्यक्ष से वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। तो गाइस, ये सब चीज़ें हो रही है। देखिए, ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप परेशान रहेंगे। प्रदेश में DLED का छात्र जो सत्र है वो शून्य होने के कगार पर है। अगर आप इस अपडेट को देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे आप लोग DLED कर रहे हैं तो आपसे क्या लेना देना, लेकिन हाँ आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि DLED की हालत आज कितनी खस्ता हो चुकी है। मतलब जो PNP वाले कैसे, मतलब क्या कर रहे हैं ये, जब दोस्तों BEd का एडमिशन हो सकता है, इंटर हाई स्कूल का पेपर के बच्चे प्री बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन DLED का सत्र शून्य जा रहा है। आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि कितने स्कूल दोस्तों कॉलेज होंगे जहाँ पर रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब नया एडमिशन ही नहीं होंगे तो टीचरों को सैलरी कहाँ से मिलेगी, तो टीचर करते क्या है ना ऐसी कंडीशन में, जो भैया पुराने बच्चे होंगे जैसे DLED 2019 बैच वाले बच्चे बच रहे हैं, अब उनकी जो प्रैक्टिकल फीस 2000 रुपये लेनी थी अब वो सीधे 4000 रुपये कर देंगे। अब कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा,
तो ये सब दिक्कतें बच्चों पर ही आने वाली है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। और अभी तक दोस्तों जो बच्चे नौ चयनित हुए थे उनको स्कूल का आवंटन नहीं हुआ, ये अपडेट है। ठीक है, केवल हाजिरी से काम चल रहा है। तो गाइस और भी जो अपडेट्स आती रहेंगे डीएलएड की, वो अपडेट्स हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल जो डीएलएड का रिजल्ट है उसको आप कैसे देख सकते हैं, हमने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है, बस आप उसको रेगुलर चेक करते रहिए। जैसे दोस्तों आपका रिजल्ट घोषित होगा, यकीन मानिए सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। फिलहाल 31 दिसंबर अंतिम तारीख थी, तो देखते हैं भैया पीएनपी की बात में कितना दम है कितना सच है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।